खबर धमतरी से है, जहां ऑरा बिटकॉइन और विग बीट बुल कंपनी के संस्थापक को धोखाधड़ी के मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि भूपेश चौधरी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि ऑरा बिटकॉइन और विग बीट बुल नामक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर फायदा देने का प्रलोभन देकर निर्मल सारवा और मेहताब आलम द्वारा 18,27,000 रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। इस दौरान आरोपी मेहताब आलम को पकड़कर पूछताछ की गई, जिस पर राजू गुप्ता को ऑरा बिटकॉइन और बिग बिटबुल कंपनी के संस्थापक सहित मुख्य आरोपी होना बताया गया, जिसके तहत पुलिस ने कोलकाता से राजू गुप्ता को पकड़कर पूछताछ की, जिस पर आरोपी द्वारा विभिन्न लोगों से अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया। वहीं कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि इससे पूर्व कुछ दिनों पहले एक अन्य आरोपी निर्मल सारवा को गिरफ्तार कर जेल में दाखिल किया गया था। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में जो आरोपी निर्मल सारवा से पूछताछ के आधार पर यह पता चला था कि बिहार निवासी राजू गुप्ता इसका प्रमुख मास्टरमाइंड है, जो उसके गिरफ्तारी हेतु टीम बिहार भेजी गई थी। जो आरोपी पश्चिम बंगाल में, उसका लोकेशन पता चला था, जो टीम के द्वारा वहां जाकर उसकी गिरफ्तारी की गई, ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसको यहां धमतरी लाया गया, जिसे आज जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेजा गया है।